वेलकम टू द चैनल बायो क्लासेस। बायो क्लासेस चैनल में सभी बच्चों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को देखते रहिए। हम कर रहे थे एनिमल किंगडम क्लास 11 का चैप्टर 4 और ये है लेक्चर 7। ये आपका लास्ट लेक्चर भी होगा जिसमें हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कॉर्डेट शुरू कर दिया था, इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। आज हम शुरू करते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है? तो आगे चलते हैं। क्रेनिएटा और यूकॉर्डेटा। क्रेनिएटा, एक क्रेनिएटा हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, ये है क्रेनिएटा। क्रेनिएटा में केवल एक ही सब फाइलम है, दैट इज वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। एक क्रेनिएटा में ये रिप्लेस नहीं होती है, नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड के फॉर्म में ही रहती है, या तो लार्वल स्टेज में रहती है या फिर एडल्ट में ही रहती है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम में ये रिप्लेस क्रेनिएटा में होती है। ब्रेन भी कवर्ड होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग से, जिसे कहते हैं क्रेनियम। ये क्रेनियम या तो बोन्स का बना होता है या फिर कार्टिलेज का बना होता है। पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्रेनिएटा का। पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, ये पेयर्ड अपेंडेजेस या तो फिन्स हो सकते हैं या फिर लिम्ब्स हो सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, सारे वर्टिब्रेट्स क्योंकि किसके अंदर आते हैं, वो कॉर्डेट्स में आते हैं, तो सारे वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेट्स हैं लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है। इसका मतलब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। क्रेनिएटा को फिर से दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है, एग्नेथा और नैथोस्टोमेटा। इसका क्लासिफिकेशन, कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन लास्ट लेक्चर में मैंने एक फ्लो चार्ट भी आपको बना के दिखाया था। इसमें क्रेनिएटा में दो डिविजन हैं, एग्नेथा और नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा मतलब जिसमें जॉलेस होते हैं ये एनिमल्स, और जिनमें जॉल्स पाए जाते हैं वो आते हैं नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा डिवीजन में जॉल्स एब्सेंट होती हैं। एग्नेथा इसका मतलब ही है कि जॉल्स इसमें एब्सेंट होती हैं। इनमें टू क्लासेस हैं, ऑस्ट्रैकोडर्म एंड साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रैकोडर्म ये एक्सटेंडेड स्पीसीज है, इसके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइक्लोस्टोमेटा मतलब कि इन एनिमल्स की का जो माउथ होता है ना, ये टिप पर होता है, आगे सर्कुलर होता है, ऐसा सर्कुलर होता है और टिप पर होता है। साइक्लोस्टोमेटा किस में आ रहा है आपका? एग्नेथा में आ रहा है। तो एग्नेथा है तो ये क्या है, इनमें जॉल्स नहीं होंगे, सर्कुलर माउथ होगा। ये है सर्कुलर माउथ होता है, और जो फिशेज जैसे आप खाने में इस्तेमाल करते होंगे उनमें सर्कुलर माउथ नहीं होता। ये सर्कुलर माउथ इसलिए भी होता है क्योंकि ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। ये फिशेज के ऊपर ये जो है पैरासाइट के रूप में ये फिशेज जो होती हैं ये चिपकी रहती हैं, ठीक है? ये फॉल्स फिशेज जिसको हम कह रहे हैं, क्योंकि इनमें फिशेज, ये नैथोस्टोमेटा नहीं है, फॉल्स फिशेज इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि इनमें ट्रू फिशेज वाले कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये सर्कुलर माउथ एक्टोपैरासाइट बनने में इनकी मदद करता है। बॉडी पर स्केल्स नहीं पाई जाती, जैसे फिशेज में आपने देखा होगा ऊपर स्केल होती है जिसको निकाल दिया जाता है जब उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, तो लेकिन इसमें स्केल्स नहीं होती है। फिन्स होते हैं लेकिन पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे डॉर्सल फिन है, कॉडल फिन है, लेकिन पेयर में फिन्स नहीं होते हैं। जैसे कि फिशेज में यहाँ यहाँ फिन्स होते हैं, हाइंड फिन्स होते हैं, फोर फिन्स होते हैं जो कि पेयर में होते हैं, लेकिन इनमें पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होती हैं, और फिशेज में कितनी होती है? 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होती हैं रेस्पिरेशन के लिए। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम इनमें कार्टिलेजिनस होती है, बोनी नहीं होती है, कार्टिलेजिनस होती है। सर्कुलेशन क्लोज्ड टाइप का होता है, और ये माइग्रेट करती हैं फ्रॉम मैराइन वाटर टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, फॉर मेटिंग
एंड लार्वा के मेटामॉर्फोसिस के लिए ये फिर जो है ये रिटर्न कर जाती हैं ओशंस में, ठीक है, स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में आती है और मेटामॉर्फोसिस के लिए ये फिर से मेराइन वाटर में बैक हो जाती है। एग्जाम्पल्स हैं इसके पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे भी कहते हैं, मैगजीन या हैगफिश, दोनों एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ये था साइक्लोस्टोमेटा। नेक्स्ट डिविजन इज नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा मतलब कि जिसमें ट्रू जॉज पाए जाते हैं, ट्रू जॉज पाए जाते हैं, माउथ इनका राउंडेड नहीं होता है जैसे साइक्लोस्टोमेटा में होता है। साइक्लोस्टोमेटा नाम से ही पता चल रहा है कि माउथ राउंडेड होगा, इनमें माउथ राउंडेड नहीं होता है। पीनियल आई एब्सेंट होती है, जो साइक्लोस्टोमेटा वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके हेड पे एक आई होती है जिसे कहते हैं पीनियल आई, इनमें पीनियल आई नहीं पाई जाती है। मूवमेंट पेयर्ड फिन्स और लेग्स के द्वारा होता है, गिल्स या लंग से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा को टू सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, फिसीज और टेट्रापोडा, ठीक। फिसीज, फिसीज में सारी तरह की फिशेज आ जाएंगी। फिशेज का पीरियड जो है वो होता है डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड इवोल्यूशन में ये गोल्डन पीरियड और फिशेज के नाम से जाना जाता है। इनमें फिशेज का इवोल्यूशन, मेजर फिशेज का इवोल्यूशन इसी पीरियड में हुआ था। फिशेज की स्टडी को क्या कहते हैं, इक्थायोलॉजी, ये टर्म आपको पता होना चाहिए। तो नैथोस्टोमेटा के पहला सुपर क्लास क्या हो गया, फिशेज, और दूसरा सुपर क्लास क्या हो गया, टेट्रापोडा। तो ट्रू जॉड वर्टिब्रेट्स पहली कौन सी हो गई, फिशेज हो गई ना, फिशेज, फिशेज हो गई। तो फर्स्ट ट्रू जॉड वर्टिब्रेट्स क्या हो गई, फिशेज हो गई। एक्सटर्नल और मिडल ईयर, ईयर के जब आप पढ़ेंगे तो ईयर के तीन पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। इनमें जो है एक्सटर्नल और मिडल ईयर एब्सेंट होता है, केवल केवल इंटरनल ईयर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑसिकल्स जो कि मिडल ईयर का पार्ट है, टिम्पैनम जो मिडल ईयर का पार्ट है, ये इसमें नहीं पाया जाएगा। केवल इंटरनल ईयर में जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। जब आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि इंटरनल, मुझे लगता है कि लास्ट लोअर क्लासेस में भी आपने कभी ना कभी ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। इंटरनल ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं जो कि इनमें पाए जाते हैं, लेकिन एक्सटर्नल और मिडल ईयर इनमें एब्सेंट होती है। आरबीसी, आरबीसी जो ब्लड में है, रेड ब्लड सेल्स, ये हमारे में क्या होता है, ये न्यूक्लिएटेड होती है या इन्यूक्लिएटेड होती है। दे आर इन मैमल्स जो होती हैं वो इन्यूक्लिएटेड होती हैं, न्यूक्लियस इनमें नहीं पाया जाता है, उसी जगह पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन फिसीज में, आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। हार्ट टू चैम्बर होता है, हार्ट के चैम्बर आपको पता होना चाहिए। फिशेज में हार्ट के 2 चैम्बर होते हैं, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर होते हैं, फिर आपके रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होते हैं लेकिन क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर होते हैं, फिर बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर होते हैं। तो हार्ट इसमें 2 चैम्बर होता है जिसे हम कहते हैं वेनस हार्ट। वेनस हार्ट मीन्स क्योंकि इनमें इम्प्योर ब्लड ही बॉडी में सर्कुलेट करता है, इसलिए इसको वेनस हार्ट कहते हैं। ऑक्सीपोटाइल कॉन्डाइल जो ये स्कल का पार्ट है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो ये हेड स्कल का पार्ट होता है, ये सिंगल होता है, एक होता है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल फर्स्ट वर्टिब्रा से अटैच होता है, ठीक है। इसको कहते हैं मोनोकॉन्डाइलर टाइप, और डाइकॉन्डाइलर टाइप जो होता है टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो होते हैं मैमल्स में होते हैं, टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल ये फर्स्ट वर्टिब्रा से अटैच होते हैं, इसको कहते हैं डाइकॉन्डाइलर टाइप। तो इसमें ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कैसा होता है, एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है जो कि फर्स्ट वर्टिब्रा से अटैच होता है, जैसे कहते हैं मोनोकॉन्डाइलर टाइप। कैटाड्रोमस माइग्रेशन,
मतलब ये टर्म दिया हुआ है, कैटर दोनों तरह की फिशेस होती हैं। कैटाट्रॉमस मतलब वो फिशेस जो फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर की तरफ मूव करती हैं उन्हें कहते हैं कैटाट्रॉमस फिशेस। एनाट्रॉमस माइग्रेशन जो मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट करती हैं उसे कहते हैं एनाट्रॉमस फिशेस। ठीक है, स्टीनोहेलाइन, स्टीनोहेलाइन मतलब कि जो नैरो रेंज ऑफ हेलाइन में सैलिनिटी, जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में सर्वाइव कर सकती हैं उसे कहते हैं स्टीनोहेलाइन। यूरीहेलाइन या यूरीहेलाइन, यूरी मीन्स ब्रॉड, ब्रॉड रेंज में की सैलिनिटी में, सैलिनिटी का अगर रेंज बढ़ा दिया जाए मतलब सैलिनिटी जो है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, इसके इससे उनके सर्वाइवल पे असर नहीं पड़ता है तो उनकी टॉलरेंस ज़्यादा है तो इसे हम कहते हैं यूरीहेलाइन। ठीक है, फिशेज को डिवाइड किया गया है थ्री क्लासेस में, प्लैकोडर्माइन जिसके सारे ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हैं, सेकेंड कॉन्ट्रिक्टिस और ऑस्ट्रिक्टिस, ये दोनों हमें पढ़ना है। कॉन्ट्रिक्टिस क्या होते हैं? कॉन्ट्रिक्टिस वो होते हैं जिनका स्केलेटन कार्टिलेज का होता है उन्हें कहते हैं कॉन्ट्रिक्टिस, और ऑस्टियोसिस जिनका स्केलेटन बोन का होता है उसे कहते हैं ऑस्टियोसिस। तो पहले पढ़ते हैं कॉन्ट्रिक्टिस, इनका एंडोस्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेज का होता है। माउथ कैसा होता है? साइक्लोस्टोमेटा में कैसा माउथ था? सर्कुलर माउथ था। कॉन्ट्रिक्टिस में माउथ कैसा होता है? वेंट्रल, देखिए स्कोलियोडॉन जिसे डॉग फिश भी कहते हैं माउथ दिया हुआ है ना, ये क्या है? वेंट्रल माउथ होता है। जॉज इनके बहुत पावरफुल होते हैं। स्किन पे प्लेकोइड स्केल्स या प्लेकोइड स्केल्स, प्लेकोइड स्केल्स जैसे मछली होती है, मछली के ऊपर आपने बहुत स्केल्स देखे होंगे, तो स्केल्स का शेप कैसा होता है ना, इसके बेसिस को पे स्केल्स को डिवाइड किया गया। प्लेकोइड स्केल्स का शेप इस तरह से होता है, इस तरह का स्केल है तो इसे कहते हैं प्लेकोइड स्केल। अगर ऐसा स्केल है जैसे कि रोहू मछली में आपने देखा होगा इस तरह का स्केल है, उसे कहते हैं साइक्लॉइड स्केल। और अगर साइक्लॉइड स्केल में आगे की ओर ऐसे स्पाइन्स की तरह से निकले हैं तो इसे कहते हैं टीनोइड स्केल। ठीक है, तो इसका स्केल कैसा होता है? प्लेकोइड स्केल, इस तरह का स्केल होता है जिसे कहते हैं प्लेकोइड स्केल। प्रीडेशियस मतलब कि शिकारी मछलियाँ होती हैं, प्रीडेशियस होती हैं। गिल स्लिट्स में पाए जाते हैं लेकिन इसमें अपर कुलम नहीं पाया जाता है, गिल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे कहते हैं अपर कुलम। ये अपर कुलम कॉन्ड्रिक्टिस में नहीं पाया जाता है लेकिन ऑस्टिक्टिस में पाया जाता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं कोइकेलोथर्मस, कोल्ड ब्लडेड आपको एनिमल्स रेप्टाइल्स तक मिलेंगे। ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, वहाँ तक सारे क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सेक्स इज सेपरेट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बहुत से इसमें विविपेरस होते हैं जैसे स्कोलियोडॉन जो फिश होती है ये क्या होती है? ये विविवेरस होती है, मतलब कि दे गिव बर्थ टू यंग बर्ड्स। एग्जाम्पल स्कोलियोडॉन जिसको डॉग फिश भी कहते हैं, डॉग फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका स्मेल का सेंसेशन बहुत फास्ट होता है डॉग्स की तरह से, इसे इंडियन शार्क भी कहा जाता है और ये विविवेरस एनिमल्स होती हैं। ट्राइगॉन स्टिंग्रे, ट्राइगॉन जो होती है इनमें एक डॉर्सल फिन पाई जाती है जो कि पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करती है। टॉर्पिडो या इलेक्ट्रिक रे, ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन में पाया जाता है और ये शॉक प्रोड्यूस करती है, 100 वोल्ट तक का ये शॉक प्रोड्यूस कर सकती है। काइमेरा, काइमेरा या रैट फिश और गोस्ट फिश, ये जो है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन बोनी फिश और कार्टिलेज फिश। बोनी फिश और कार्टिलेज फिश में इस तरह से, क्योंकि कार्टिलेज फिश की तरह इनमें वेंट्रल माउथ होता है, कार्टिलेज एंडोस्केलेटन होता है, लेकिन इनमें जो गिल्स होती हैं वो फोर पेयर ऑफ गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, बोनी फिशेस की तरह तो कनेक्टिंग लिंक, ये सब तो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछे हैं जाएंगे लेकिन कनेक्टिंग लिंक जो है
बोनी और कार्टिलेजस स्पीशीज के बीच है, उसका नाम है काइमेरा। ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। टॉर्पेडो क्या है? इलेक्ट्रिक रे है। ट्राइगोन क्या है? ये स्टिंग रे है। स्पोलियोडॉन क्या है? डॉग फिश है। नेक्स्ट इज ऑस्टिक्थिस क्लास। ऑस्टिक्थिस मतलब कि जिनमें स्केलेटन जो है वो बोन का बना हुआ होता है। फोर पेयर ऑफ गिल्स होती हैं जो कि कवर्ड होती हैं अपर कुलम से। कॉन्ड्रोक्थिस में ये कवर्ड नहीं होती है। और इनमें साइक्लॉयड और टीनॉयड स्केल्स पाए जाते हैं। कॉन्ड्रोक्थिस में आपने कैसे पढ़ा था? फ्लैकोइड स्केल। साइक्लॉयड मतलब इस तरह और टीनॉयड मतलब साइक्लॉयड में अगर ये ऐसे स्पाइंस निकले हुए हैं स्केल्स में तो इसे कहते हैं टीनॉयड स्केल। एयर ब्लैडर पाया जाता है बायोंसी के लिए, वाटर में फ्लोट करने के लिए एयर ब्लैडर पाया जाते हैं। लंग फिशेस में लंग्स के साथ एयर ब्लैडर हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। फिन्स जो होती हैं ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है, मोस्टली ये ओविपेरस होती हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट मीन्स कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल्स हैं जैसे लेबियो, रोहू जिसे इंडियन कार्ब भी कहते हैं, ये फ्रेश वाटर में रहती हैं जो खाने में ज़्यादा यूज होती हैं। ये रोहू जो होती हैं ये जब यंग होती हैं तो ये कार्निवोर्स होती हैं, लेकिन जब ये एडल्ट होती हैं तो ये हर्बीवोरस हो जाती हैं। दूसरा है क्लेरियस या कैटफिश जिसे हिंदी में मांगुर कहते हैं। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस और सी हॉर्स या प्रेग्नेंट मेल ये वर्टिकल पोजीशन में स्विम करती हैं। इनमें आगे जो है इनके बॉडी में आगे पाउच पाया जाता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है मेल्स में जो कि एग्स कैरी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जोटिक एग्जोसीटस। एग्जोसीटस जिसे फ्लाइंग फिश भी कहते हैं, ये 400 मीटर तक फ्लाई या ग्लाइड कर सकती हैं। गैम्बूसिया, गैम्बूसिया जो फिशेज होती हैं वो जहाँ पर मॉस्किटोज ज़्यादा होते हैं वहाँ पानी में मॉस्किटोज के लार्वा होते हैं उन पे ये फीड करती हैं, तो मॉस्किटो के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में ये फिश का यूज होता है गैम्बूसिया। कॉड लिवर ऑयल, कॉड फिश के लिवर का ऑयल बहुत मार्केट में अवेलेबल होता है बिकॉज इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। प्रोटोप्टेरस ये अफ्रीकन लंग फिश है। लेपिडोसिरिन ये साउथ अमेरिकन लंग फिश है। एनियोसिरोटोडस ये ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है। तीनों लंग फिश का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं। लेबियो या रोहू, कैटफिश या मांगुर, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, सीहॉर्स, एग्जोसीटस, फ्लाइंग बर्ड सॉरी फ्लाइंग फिश ये 400 मीटर तक ग्लाइड कर सकती है। गैम्बूसिया जो मॉस्किटो लार्वा पर फीड करती है। नेक्स्ट सुपर क्लासेस टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में लोकोमोशन दो पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइलस लिंक से होता है। पेंटाडेक्टाइलस मीन्स फाइव डेक्टाइल मीन्स फाइव उंगलियाँ, जिस उंगलियों से पेंटाडेक्टाइलस कहते हैं। हार्ट थ्री चैम्बर्ड या फोर चैम्बर्ड होता है। मिडिल ईयर इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, डिसीज में मिडिल ईयर प्रेजेंट, किसी सुपर क्लास में मिडिल ईयर एब्सेंट होता है, लेकिन टेट्रापोडा में मिडिल ईयर प्रेजेंट होता है। इनर ईयर तो हो गई, मिडिल ईयर भी प्रेजेंट होता है। टेट्रापोडा को फोर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एडीज एंड मैमेलिया। एम्फीबिया मतलब कि दोनों जगह रहते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल बोथ हैबिटेट में होते हैं ये। फ्रॉग्स की स्किन जैसे स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है। टोड की रफ और ड्राई स्किन होती है। बहुत से एनिमल्स होते हैं जिनकी स्किन में पॉइजनस ग्लैंड होते हैं और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉइजन रिलीज करते हैं जैसे कि यूको। बॉडी डिवाइडेड होती है टू पार्ट्स में, हेड और ट्रंक में टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स होते हैं। फोर लिम्ब्स, आगे के लिम्ब्स में फोर फिंगर्स होती हैं और पीछे के लेग्स में फाइव फिंगर्स होती हैं। टिम्पैनम इनमें पाया जाता है क्योंकि इसमें मिडिल ईयर प्रेजेंट है।
और एनर्जी एफी होगा। आईज पर आईलिड्स पाई जाती है। सिंगल ओपनिंग होती है क्लोएका। क्लोएका में ओपन होता है एलिमेंट्री कैनाल भी, यूरिनरी ब्लैडर भी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी। तीनों की ओपनिंग एक ही होती है जिसे कहते हैं क्लोएका। रेस्पिरेशन इनमें गिल से, लंग से या फिर स्किन से होता है या फ्रॉग में तीनों से होता है। जब वो लार्वल स्टेज में होते हैं तो गिल से होता है और एडल्ट स्टेज में लंग्स और स्किन के थ्रू होता है। जब वो लैंड पे होते हैं तो लंग से होता है और जब पानी में फ्लोट करते हैं तो उस टाइम जब उनकी स्किन मॉइस्ट होती है तो उस टाइम स्किन से होता है। हार्ट इनमें 3 chambered होता है जिसमें 2 auricles और 1 ventricle होता है। RBC जो होती है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनमें बाय कॉन्वेक्स होते हैं। मैमल्स में कैसे होते हैं? मैमल्स में बाय कॉन्केव होते हैं, ठीक है। इसमें होते हैं बाय कॉन्वेक्स, न्यूक्लियस भी इसमें होता है या ये ओवल भी हो सकते हैं। इनमें 2 रीनल पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं। वर्टिब्री जो होती है वो प्रोसीलस टाइप होती है। वर्टिब्रल कॉलम में इसकी जो वर्टिब्रीज होती है ना, इनमें आगे की ओर कॉन्केव होती है और पीछे की ओर कॉन्वेक्स होती है जिसे हम कहते हैं प्रोसीलस, ठीक है। इस तरह की वर्टिब्रीज को कहते हैं प्रोसीलस। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। एग्स आर मीजोलिसिथल। मीजोलिसिथल मीन्स कि इनमें जो योग होता है यह बहुत कम भी नहीं होता है या बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है। योग के बेसिस पे 3 types ऑफ एग्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रोलिसिथल, मीजोलिसिथल एंड मेगालिसिथल। मेगालिसिथल जब होता है, जब योग की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसे कहते हैं मेगालिसिथल, बहुत कम होती है तो माइक्रोलिसिथल और एडिक्वेट क्वांटिटी ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा तो उसे कहते हैं मीजोलिसिथल एग। तो एम्फीबियाज के जो एग होते हैं उसे वो है मीजोलिसिथल। ये ओवीपरस हैं, इनमें डायरेक्ट भी डेवलपमेंट हो सकता है या इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट में जैसे कि फ्रॉग है, फ्रॉग में टैडपोल लार्वा पाया जाता है, सेलामेंडर में एक्सोलॉटल लार्वा पाया जाता है। तो लार्वल स्टेज जिसमें प्रेजेंट है उनमें डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एम्फीबियाज। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे ये फ्रॉग है, टोड, सेलामेंडर, ल्यूकोज से बात की थी हमने कि ये इनमें पॉइजनस ग्लैंड्स पाए जाते हैं इनके स्किन पे। नेक्स्ट इज रेप्टीलिया। रेप्टीलिया का गोल्डन एज जो है वो है मीजोजोइक एरा। रेप्टीलिया की स्टडी को कहते हैं हर्पेटोलॉजी। इनकी स्किन ड्राई होती है, इस पे एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड पे रहते हैं। क्रीपिंग और क्रॉलिंग के लिए इनमें लिम्स पाए जाते हैं। लिजर्ड, लिम्बलेस लिजर्ड एक है जिसे जिसका नाम है ऑफियोसॉरस, जिसमें लिम्स नहीं पाए जाते हैं। टिम्पैनम पाई जाती है, मतलब मिडिल ईयर इसमें होती है, इंजर्नल ईयर भी होगी। हार्ट 3 chambered होते हैं लेकिन क्रोकोडाइल्स में 4 chambered हार्ट होते हैं, ठीक है। कोएगिलोथर्मस मतलब ये कोल्ड ब्लडेड हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेटानेफ्रिक किडनी होती है, किडनी की टाइप। यूरिकोटेरिक, यूरिक एसिड ये रिलीज करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनका यूरिक एसिड है, वाटर कंजर्व करने के लिए यूरिक एसिड। जो एनिमल्स कम वाटर यूज करते हैं वो एक्सक्रीशन में वाटर को वेस्ट नहीं करते हैं, वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। योग का अमाउंट ज़्यादा होता है। एग पॉलीलिसिथल या मेगालिसिथल एंड टीलोलिसिथल। टीलोलिसिथल मींस एक योग जो है अगर सेंटर में ना हो, एक पोल पे हो, एक साइड के पोल पे हो तो उसे कहते हैं टीलोलिसिथल एग। तो इसका एग कैसा होता है? टीलोलिसिथल। स्नेक्स एंड लिजर्ड ये अपने स्केल्स को शेड करते हैं जिसे स्किन कास्ट कहते हैं।
फर्टिलाइजेशन इंटरनल ओवीपेरस होते हैं और इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट कोई लार्वल स्टेज नहीं पाती। एग इज क्लीडोइक टाइप, क्लीडोइक टाइप मतलब एग के ऊपर शेल पाया जाता है, एम्फीबियंस में शेल नहीं होता है। इनकी एग्स में शेल होता है जो कि बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है, लेकिन इनके एग्स होते हैं लेदरी होते हैं, लेदरी होते हैं कि अगर ये गिरे भी जमीन पे तो ये टूटते नहीं, ठीक है, बाउंस करते हैं। इनके एग्स जो होते हैं लेदरी होते हैं, कभी घर में आपने छिपकली का देखा होगा एग, ये बाउंसिंग होते हैं, ठीक है, दीज आर लेदरी एग्स। एग्जाम्पल कैमिलियन, ट्री लिजर्ड, गिरगिट जिसे कहते हैं, कैलोटस, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलस, वॉल लिजर्ड या हेमीडेक्टाइलस, ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं रेप्टाइल्स के, कैमिलियन, कैलोटस, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्लास इज एवीज। एवीज की स्टडी को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। अब ये वार्म ब्लडेड शुरू हो गया है। एवीज जो होते हैं वे वार्म ब्लडेड होते हैं, होमियोथर्मस एनिमल्स जिसे कहते हैं। फोर लिम्स, आगे की लिम्स ये मॉडिफाइड होती हैं, विंग्स में, विंग्स मतलब विंग्स पे जो होते हैं फेदर्स पाए जाते हैं जो फ्लाइट पे मदद करते हैं। ये फेदर्स जो होते हैं ये टेम्परेचर या अपने आप को कवर कर लेते हैं फेदर्स से, जिससे ये टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। और कैमोफ्लेज पर्पस के लिए भी कि ये जो फेदर्स के कलर्स हैं ये इनकी वजह से ये पेड़ों में या अपने बैकग्राउंड में छिप सकते हैं। हाइंड लिम्स पे स्केल्स पाए जाते हैं और हाइंड लिम्स वॉकिंग, स्विमिंग, क्लास्पिंग ऑन ट्रीज इसके लिए ये यूज करते हैं। इनमें बीक्स पाई जाती हैं, बीक्स में टूथ नहीं होते हैं, टूथलेस बीक्स होती हैं। बोन्स जो होते हैं वो न्यूमैटिक होते हैं, मतलब बोन्स के अंदर एयर कैविटीज पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं एयर कैविटीज? जिससे कि बॉडी का वेट हल्का हो जाए एयर कैविटीज की वजह से और ये फ्लाइट में मदद करें। हार्ट फोर चैम्बर्ड होते हैं, आरबीसी इनमें भी न्यूक्लिएटेड होती है, मैमल्स में बस ई न्यूक्लिएटेड होती है, एवीज तक आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। सेंट्रम ऑफ द वर्टिब्रा इज हेट्रोसीलस, वर्टिब्रल कॉलम का जो बीच का पार्ट है जिसे सेंट्रम कहते हैं। हेट्रोसीलस मतलब दोनों साइड से ये कॉनकेव होती है, जिसे कहते हैं हेट्रोसीलस। स्टर्नम इनका बड़ा होता है क्योंकि स्टर्नम से ही जो है वो फ्लाइट मसल्स अटैच होती है, ठीक है। तो बेसल पार्ट ऑफ द स्टर्नम ये जिसे हम कहते हैं कील, जो तो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, इसी से फ्लाइट मसल्स अटैच होती हैं। तो ये कील जो है, जो फ्लाइट बर्ड्स होती हैं, फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं, उनमें ये कील अच्छे से डेवलप होता है। रेस्पिरेशन लंग्स और एयर सैक से होता है। एग्स मेगालिसिटल मतलब ज्यादा योग, टीलोलिसिटल मतलब योग एक होल पे, एंड क्लीडोइक मीन्स इनमें कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है इनके एग्स में। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ओवीपेरस होते हैं बर्ड्स को, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट डायरेक्ट बिकॉज दे हैव नो। नेक्स्ट इज मेमेलिया। मेमेलिया में मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं इसलिए इन्हें मेमेलिया कहते हैं। स्किन पोजेस हेयर, होमियोआइसोथर्मस, डायफ्राम, थोरिक्स, बॉडी कैविटी को अगर हम देखें तो बॉडी कैविटी में ऊपर का बाहर जो होता है जैसे थोरिक्स, थोरासिक कैविटी और नीचे की एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। थोरिक्स थोरासिक कैविटी में हार्ट होता है और लंग होता है और एब्डोमिनल कैविटी में बाकी नीचे जो विस्टल ऑर्गन्स होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। तो इनको सेपरेट करने के लिए एक कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसे कहते हैं डायफ्राम। ये डायफ्राम मैमल्स में प्रेजेंट होती है जो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करती है। टू पेयर्स ऑफ लिम्स फॉर वेरियस पर्पसेस, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग। टीथ इनके जो होते हैं वो सॉकेट्स में, टीथ जो सॉकेट्स होते हैं जॉज में ऐसे सॉकेट्स होते हैं जिनमें टीथ फिट होते हैं।
इस तरह की टीथ को कहते हैं थीकोडॉन्ट, ठीक है। हेट्रोडॉन्ट टीथ, हेट्रोडॉन्ट टीथ मतलब सारे टीथ एक जैसे नहीं होते, अलग अलग टाइप्स के टीथ होते हैं। हमारे में कैसे अलग अलग टाइप्स के टीथ है मैम, उसमें इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, तो ये डिफरेंट टाइप्स के टीथ है, इसलिए इसे कहते हैं हेट्रोडॉन्ट टीथ। एक्सटर्नल ईयर्स पाए जाते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स जिसे पिन्ना भी कहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। हार्ट फोर्थ चैम्बर्ड होता है, रेस्पिरेशन बाय लंग्स। आरबीसी स्मॉल सर्कुलर और नॉन न्यूक्लिएटेड, या जिसे ई न्यूक्लिएटेड भी कहते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, केवल एक फैमिली, कैमल फैमिली, इनकी जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है, न्यूक्लिएटेड होती है। इनका न्यूक्लियस होते हैं, वाटर कंजर्व करने का काम करता है, इसलिए ये न्यूक्लिएटेड होती है। स्कल डाइकोंडाइलेक्स मतलब टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं जो फर्स्ट वर्टिब्रा से ज्वाइन करते हैं। सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रे, सर्वाइकल रीजन मींस आपका जो नेक वाला पोर्शन है उसमें कितनी वर्टिब्राज होती है, सेवन वर्टिब्राज होती है। आपका नेक हो या जिराफ का नेक हो, वर्टिब्राज जो होंगी वो सेवन ही होंगी, ये लेंथ ऑफ द नेक पे डिपेंड नहीं करेगी, वर्टिब्राज सेवन ही होती है, साइज इनकी छोटी बड़ी हो सकती है। सेक्सेस आर सेपरेट, दीज आर विविपेरस, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। मार्सोपियल्स जैसे कैंगरू है, दीज आर पाउस्ड मैमल्स, एग्जाम्पल प्लैटिपस, डॉल्फिन्स। मैमल्स को टू सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, प्रोटोथीरिया और थीरिया। प्रोटोथीरिया ये प्रिमिटिव मैमल्स हैं, जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं उन्हें कहते हैं प्रोटोथीरिया। एग्स इनके लार्ज होते हैं, योकी एंड शेल, दीज आर मेगालोसिफल, क्लिडोइक। कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम ये पार्ट जो है ये मैमल्स का, ये मतलब टू मैमल्स जिसे हम थीरिया कहेंगे, ये इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। कॉर्पस कैलोसम होता क्या है, हमारा ब्रेन जो है सेरिब्रम पार्ट जो है वो टू हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में। ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कॉर्पस कैलोसम से अटैच बाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्पस कैलोसम होता है, कॉर्पस कैलोसम ये थीरिया में पाया जाता है और इसी में नहीं पाया जाता है। क्लोएका प्रेजेंट होती है सिंगल ओपनिंग। टेस्टिस इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, नॉट इन द स्क्रोटल सैक, बिसाइड दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। द मेंबर्स ऑफ दीज सब क्लासेस दे आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी एंड तस्मानिया। एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं ऑर्निथोरिंकस, जिसे डबल प्लैटिपस भी कहते हैं, और टेकाइग्लोसिस या एकिडना या स्पाइनी एमटेटस, ये दो मेन एग्जाम्पल हैं प्रोटोथीरिया। नेक्स्ट इज थीरिया, जो जिसे हम सब लोग जानते हैं, दीज आर विविपेरस। एम्ब्रियोज अटैच्ड टू द यूट्रस ऑफ द मदर बाय प्लेसेंटा इज देयर। मेमोरी ग्लैंड विद निपल्स। Cloaca is absent, separate openings are there, cloaca is absent, and the testis is situated in the scrotal sac, except one animal, that is elephant, where this testis is situated in the abdominal cavity. Pinna is present, and cochlea, which is a part of internal ear, that is much coiled. Corpus callosum, this is a unique characteristic of thirians. थीरिया और मैमल्स, ट्रू मैमल्स। टीथ हैव प्रेजेंट, दीज आर फाउंड बोथ इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर एनिमल किंगडम। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए, सुनते हैं, ठीक है। गुड बाय, take care.